दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं करूँगा PIPO अर्थात पैरेलल पैरेलल सब रजिस्टर बाय यूजिंग IC 7495। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 7495 की IC चाहिए आपको और चार रजिस्टर चाहिए 1 किलो ओम के, 4 LED चाहिए। ठीक है, ये इसका IC का पिन डायग्राम है। ठीक है, IC का पिन डायग्राम है। यहाँ पे D3 D2, D1, D0 ये मेरे इनपुट हैं और आउटपुट मेरा Q3, Q2, Q1, Q0 ये मेरा आउटपुट है। तो ये मेरा VCC और ये मेरा मॉड कंट्रोल है 6 नंबर पिन पे और 7 नंबर पर ग्राउंड है। सीरियल इनपुट है लेकिन इसकी इसमें हो सकता नहीं क्योंकि ये पैरेलल आउट है, इसलिए सीरियल इनपुट की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरा यहाँ पे जो है ये मेरा सर्किट है, मेरा सर्किट देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे D3 मेरा 2 नंबर पिन पे, तो 2 नंबर पिन पे है, मैंने इसको 1 किया है, ये मेरा 1 है। ठीक है, D3 मेरा 2 नंबर पिन पे, इसको 1 किया मैंने। और D2 भी मेरा यहाँ पे देखा जाएगा तो D2 भी मेरा 1 है, तो मैंने D2 भी अपना 2 नंबर पिन पे देखा। यहाँ पर ये 2 नंबर पिन है, ये मेरी 2 नंबर पिन है। ठीक है, इसको भी मैंने 1 किया है। ठीक, और अगर मेरा D1 देखा जाए तो D1 मेरा यहाँ पे 4 नंबर पिन पे है, तो D1 मैंने और यहाँ पे D1 जो है ये D1 ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 कर दिया मैंने, इसको मैंने ये वाला D1 0 कर दिया। और अगर D0 देखा जाए, D0 मेरा यहाँ पे 3 नंबर 5 पे है, इसको मैंने 1 कर दिया। ठीक है, ये मेरा 1 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि D0 मेरा ये 1 है। और 6 नंबर पिन पे मेरा मॉड कंट्रोल है, तो मॉड कंट्रोल है। ठीक है, ये मेरा मॉड कंट्रोल हो गया। और ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा Q3 है। इधर से देखा जाए ये Q3, ये Q2, ये Q1 मेरा Q1 और ये मेरा Q0। ठीक है, ये मेरे आउटपुट से। अब 8 नंबर पर मेरी Clock 2 है, 9 नंबर मेरी Clock 2। Clock 1 को मुझे इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि जो पिन नंबर 2, 3, 4, 5 इज यूज्ड फॉर डाटा इनपुट एंड पिन नंबर 6 इज मॉड पिन नंबर 8 Clock 2, तो मेरा Clock 2। ठीक है, अब मुझे ये मेरा सर्किट डायग्राम में देखता हूँ। तो अगर मॉड को अगर मैं 0 करूँगा तो मेरा डाटा लोड होगा। ठीक है, जैसे मैं VCC देखता हूँ, ये मैंने VCC देखो मेरा डाटा लोड हो रहा है, 4 मेरा डाटा लोड हो गया। ठीक है, मेरा डाटा लोड है। अब मुझे इसे शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 नंबर शिफ्ट करने के लिए उसको पहले हम बंद करेंगे, शिफ्ट करने के लिए मॉड को बंद करना है। तो 6 नंबर पिन पे मेरा मॉड है, उसको मैं करूँगा बंद किया। ठीक है, उसको मैंने बंद किया, मेरा क्लॉक है। ठीक है, जैसे ही मैं VCC दी तो आपने जैसे देखा कि D3 पे 1 है, D2 पे 1 है, जो D3 पे देखो मेरा 1 है, D3 बने तो यहाँ पे Q3 है, और Q3 में आएगा ना आप लोगों को बता कर D3 D2 पे भी मेरा 1 था तो मेरा Q2 भी 1 आएगा। अब मेरा D1 0 था तो मेरा जो Q1 है वो 0 आएगा, और जो मेरा D0 मेरा 1 था, D0 देखा जाए तो 5 नंबर पर तो ये मेरी 1 है, तो मेरी Q0 भी मेरा 1 है। इसका मतलब कि पैरेलल पैरेलल आउट जैसे ही इनपुट देते हैं और एक ही क्लॉक पल्स में आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने इसको बंद किया, जैसे ही मैंने पहली ही क्लॉक पल्स आपको देखेंगे पहली क्लॉक पल्स में डाटा तुरंत शिफ्ट होता है, पहली क्लॉक पल्स में डाटा शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये सबसे तेज शिफ्ट रजिस्टर है क्योंकि इसमें डाटा पैरेलल दिया जाता है और आउटपुट भी पैरेलल में प्राप्त किया जाता है। इसमें सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगती है, इसमें जो है एक क्लॉक पल्स में आता है कि एक क्लॉक पल्स में।
स्कूल में। ये मेरा डाटा था। अब यहाँ पर आप कोई भी, मैंने जो डाटा ये माना है उसके अलावा आप कोई भी डाटा मान सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट।